कंठीपति ग्राम में कल दिनांक 21/2/2023 को सायंकाल जानकारी हुई कि उस गांव में एक पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा हुआ है। इस सूचना पर गांव के लोगों द्वारा जानकारी दी गई तो मैं थानाध्यक्ष एवं वन विभाग की टीम जाकर छानबीन किया तो यह तथ्य पाया गया कि उसी गांव के विवेक कुमार एवं विश्वजीत द्वारा आपस में मजाक में एक शीशम के पेड़ जो उसी गांव में है उसको देख करके विश्वजीत द्वारा विवेक से बताया गया कि इस पर एक जानवर रहता चीता तो कैसा लगता। इसी मजाक में विवेक कुमार द्वारा जो फोटोग्राफी का कार्य किया जाता है उसके द्वारा एडिट कर उस पेड़ पर एक चीता का फोटो तैयार कर दिया गया एवं विश्वजीत द्वारा उस फोटो को मजाक में ही अपने गांव के जो 10 लड़कों के ग्रुप बनाए हुए हैं डाल दिया गया। रात्रि में यह फोटो गांव में फैलने लगा और गांव के लोगों द्वारा यह बताया जाने लगा कि गांव में तेंदुआ आ गया है। इसको लेकर के छानबीन की गई और जांच की गई तो विवेक और विश्वजीत दोनों मिले और उनके द्वारा बताया गया कि सर हम लोग मजाक में ऐसा किए थे, इस गांव में कोई तेंदुआ नहीं है, ये एडिट फोटो तैयार कर भेजा गया है। तो ग्रामवासियों और क्षेत्र के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई तेंदुआ गांव कंठीपट्टी अथवा आसपास के क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल अपना सभी लोग कार्य करें, निडर रहें, किसी प्रकार का कोई तेंदुआ या जानवर नहीं आया था, यह एडिट फोटो तैयार किया गया है। मेरा नाम विवेक कुमार है। पिताजी का नाम राजकुमार प्रसाद है। कहाँ का रहने वाले? कंठीपट्टी पोस्ट पत्थर देवा जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। हाँ, कल क्या हुआ था, कैसे तेंदुआ का तुम लोग कैसे बना दिए थे? सर तेंदुआ का जो था हम लोग आ रहे थे, कौन तुम्हारे साथ, कौन और विश्वजीत कुमार आ रहे थे घूम कर गोदाम की ओर से, मानसी रोड पे गोदाम है वहाँ से आ रहे थे तो एक बीच में पेड़ दिखाई दिया तो उस पेड़ को विश्वजीत ने कहा कि इस पे अगर कोई जानवर होता तो कैसा लगेगा। तो मैंने भी मजाक में कहा कि देखो मैं अभी एडिट करके एक जानवर इस पे बैठा दूंगा, तुमको लगेगा कि रियल में बैठा हुआ है। तो मैंने वैसा एडिट करके और इसको भेजा दिखाने के लिए कि देखो, और ये अपने हमारा एक ग्रुप है जो हमारे कंठीपट्टी के कुछ दोस्त लोगों का 5-7 लोग ग्रुप है उसमें ये डाल दिया लड़का विश्वजी। अच्छा, तो उसमें सारे लड़के देख कर इधर उधर अपने रिलेटिव मैसेज भेजने लगे, फैला दिए उसको। हम सोचे कि वो लोग सीरियस नहीं लेंगे उसको, हालांकि एडिटिंग और एडिटिंग के बारे में हमसे पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में पत्थरदेवा चला गया सर 2-3 बजे के बाद, और जब मैं शाम को लौट कर आया तो देखा कि पूरे गांव में ये खबर फैली हुई है। तो सारा लोग आग लेकर निकल रहे थे। तो उसी समय हम कहे कि अब सभी लोगों को बता देना चाहिए कि ये खबर झूठ है। तब तक सर हम सुबह बताने वाले थे तो रात को सर